यार जिया जाओ ना यहाँ याद करके, तो भाई एकदम करेक्ट होनी चाहिए वहाँ पे, माइंड एकदम कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा एकदम वो रहना चाहिए इसका जो है जीएस में अच्छा अच्छा होना चाहिए। जीएस अच्छी थी, मैथ का तो नंबर ही ना आया, इतने नंबर आया, इतना टाइम खत्म, एक घंटे का टाइम है, आधा घंटा रीजनिंग में लग गया, 10 मिनट उसमें लगी, जीएस में 10 मिनट हिंदी में, इतने मैथ आए, 2000 क्वेश्चन हुए, इतना टाइम ही खत्म। जो आने वाले भाई उनके लिए मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, पेपर में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम ज्यादा कम पड़ रहा है बच्चों को मैथ में, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन उन्हें छोड़ दो, जो इजी है पहले उन्हें करो, मैथ में ऐसे आ रहे हैं कोई 15 से 17 क्वेश्चन करने लगे झटके में जवाब कर लोगे इजीली, और हिंदी ऐसी आ रही है 18-19 आराम से इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, और कुल मिला के आपके रीजनिंग भी ऐसी 18 क्वेश्चन एक झटके में कर लोगे, 2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, बस ये तो सीरीज फंसाओगी या सीटिंग अरेंजमेंट या लीनियर अरेंजमेंट जो भी कुछ है वो फंसा सके, बाकी कुछ नहीं फंसाने वाला। और भाई जीके जीएस में 14 से 15 क्वेश्चन आराम से, जिस बच्चे ने पढ़ रखा है एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट है उसका, करंट अफेयर्स वर्ड में अच्छी कमांड है, वो बच्चा क्लियर कर जाएगा, वरना 10 से 12 क्वेश्चन तो आराम से कर रहा है, कोई दिक्कत। जो आने वाले उनके लिए संदेश अपना कम पढ़े आराम से अपना, बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं, टाइम कहीं पड़ेगी तो मैथ में पढ़ सके 2-4 क्वेश्चन अगर बच्चा कहीं फंसता है तो, बाकी आराम से 8 क्वेश्चन करने लगा, 20 क्वेश्चन अच्छे लेवल के रखे उन्होंने, 20 क्वेश्चन ऐसे जो बच्चे ज्यादा पढ़ने वाला वही कर सकेगा, नहीं 60 तो इसकी तैयारी अच्छी है एवरेज वो कर सकता है। बढ़िया गया वैसे तो पेपर। और भाई जीएस तो यार जीएस जाओ ना यहाँ याद करके, तो भाई एकदम करेक्ट होनी चाहिए वहाँ पे, माइंड एकदम कंफ्यूज हो जाएगी कौन सा एकदम वो रहना चाहिए इसका जो है पॉइंट टू पॉइंट में, हाँ अच्छा अच्छा होनी चाहिए, जीएस अच्छी थी वैसे भाई, मैं इंश्योरेंस के 2 क्वेश्चन थे मैं इंश्योरेंस से, अच्छा हाँ भाई मैंने दोनों करे है ना, वैसे मैथ में 18 क्वेश्चन करे मैंने, और रीजनिंग में भी 18 करे, और भाई हिंदी में तो तुम्हें पता ही है यो भी सही है यो भी सही, बाद में पता चला है कि क्या सही है, तो 20 के 20 भाई नु बता दे कौन से चैनल पाएगी हो, बता दीजिए पहले पेपर बताओ तुम भाई सही थे, और बोझ लो यार तुम तो बोझ जब मैं बोल लू, हाँ साइंस में बताओ साइंस में अरे यार जीएस में हाँ पॉलिटिक्स है, एक तो होता मान्यवादी जो 148 25 थे क्वेश्चन वो विनोद ना जो यूट्यूब पे छा रहा है विनोद वो इसका भैया ही बता रहा मुझे और बताओ कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, अरे यार देख भाई जीएस में ना मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी जीएस ऐसी है तुम्हें पता है ना, तो कौन सा पोर्शन कर गए पूरा है, पूरा कौन सा क्वेश्चन कर गया पूरा, भाई मैथ बढ़िया गया भाई, भाई मैथ में बढ़िया तैयारी थी, मैथ में जा रही है 2 क्वेश्चन जुड़े, मैं इंसुलेशन के 2 क्वेश्चन थे भाई, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा पर मैंने कर लिया क्योंकि फॉर्मूले में आते मेरे, तो टाइम मैनेज होने में कोई दिक्कत हुई है, हाँ भाई मैं भाई सही है यार टाइम मैनेज नहीं हो पाया ना, वो सही भाई सारे क्वेश्चन पे फिर गए 80 के 80 पे भाई, 100 क्वेश्चन थे बहुत बढ़िया कुछ वो भी तो मसाला भी तो होना चाहिए, अरे 80 क्वेश्चन थे मैं मजाक कर रहा है ना, पहले भी दिया पेपर रुक जा भाई, मेरा नाम रौनक है, मेरा रौनक B4 के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, और रौनक 4 के नाम से भाई सर्च मार दियो इंस्टाग्राम पे, तो बताओ धनवी देह कौन सा आर्टिकल में है, पता नहीं, चलो ये बता दो लोकसभा के प्रथम जो स्पीकर होते थे वे कौन से थे, नहीं मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी, तो यार ये तुम्हें पता है, ये बताओ धनवी देह कौन सा आर्टिकल में आता है, धन विधेयक जो है वो कौन सा आर्टिकल में, मैथ में तो बता सकूं मैं, मैथ में मतलब एक तो एच सी एफ निकालने को आया था, दूसरा क्वेश्चन था 3 संख्या दे रखी थी जैसे 24, 30 और उसमें वो कौन सी घटाई जाए ताकि उनका समानुपात हो जाए ऐसे तरीके से, और समानुपात से था, एक था ए का 15% बराबर बी का 40% और सी का इतने परसेंट, मतलब जितना भी दे रखा था और उसका योग दे रखा था, उसका आय 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 पहले आय निकाल दो उसका व्यय हो जाता खर्च का वो, और उससे थे इतना याद है, और उससे जीएस में बताओ, जीएस में तो याद होगी, जीएस का जनगणना से थे ना 2011 की जनगणना में कितने चरण थे, पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन ना था, एक तो वही आया नीति आयोग का वो आया था 2020 में, नीति आयोग जो थे उनके अध्यक्ष कौन थे, एक वो आया था कि जनगणना कितने चरणों में हुई थी, एक उत्तराखंड का लोक नृत्य आया था, मैथ भी सही आ रहा हिंदी भी सही आ रही है भाई, टाइम की कोई दिक्कत हुई, टाइम की भैया जो तैयारी कर रहा उसे तो ना है पर तैयारी दिक्कत तो है, ओवरऑल पेपर कैसा लगा, ओवरऑल बढ़िया हुआ भाई पेपर, इजी ना मॉडरेट था भाई, सही है जो पढ़ने वाला उसका हिसाब से तो सही था,
आप नहीं पढ़ने वाले? अरे पढ़ने वाले यार, हमारे तो सही हुआ भैया। कितने क्वेश्चन कर आए? मैं तो भाई ऐसे 71 कर आया था भाई, 71। तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकूं आपसे? बताओ, पूछो। धन विधेयक कौन सा आर्टिकल में आता है? धन विधेयक 110 में है भाई। ये बताओ अब, जो समानता का अधिकार कौन सा है? मैं अपनी तरफ से पूछा, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है, समता का अधिकार। एजुकेशन का अधिकार आर्टिकल 21 ए में, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, वो 86वें संविधान संशोधन तोड़ा गया था। हिंदी कौन सा आर्टिकल में आती है? हिंदी आर्टिकल 343 में आ गया भाई। अब ये बताओ, हिंदी जो है राजभाषा है या राष्ट्रभाषा? राजभाषा, राष्ट्रभाषा ना है। हाँ तो भाई, भाई ने सारे सवालों का जवाब दे दिया, हमारे टेस्ट में पास हो गए, बहुत अच्छा पेपर जा गया होगा इनकी हम कामना करते हैं। धन्यवाद भाई। पेपर तो ठीक आ रहा है। मैं 62 कोई क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन हाँ जी एस में याद है, 2-3। एक तो है अशोक की मृत्यु कब हुई, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? और कृषि अनुसंधान के अध्यक्ष जो हाल ही में बने हैं, और हाँ बस यही है। और याद है क्वेश्चन? हाँ जी, पेपर बढ़िया गया। बताओ कितने कर गया है? मैं तो 50 कर गया भाई। अच्छा, तो कितने क्वेश्चन सही हो सके? 40 सही आवेगा, 50 में से सही आ जाएगा। तो हो सके 40 पे? 40 का 80 नंबर बैठेगा, नंबर तो आया बड़ा, हो जाएगा 40 पे। इतनी कम मेरिट जाओगी? हाँ हो जाएगा जी। तो कोई क्वेश्चन याद है तुमको? क्वेश्चन तो करंट के ज़्यादा आ रहे थे उसमें, जीएस में। अच्छा, अभी दिमाग में तो है नहीं। आज बच्चे बहुत कम है, इस पर क्या कहना चाहोगे? बच्चे तो जी मौसम की वजह से नहीं आया जाता, ठंड ज़्यादा। सेंटर में आपने देखे होंगे कम है बच्चे? बच्चे तो एक आध सीट खाली थी, बच्चे तो पूरे ही है। बच्चे कम ना। तो मैथ का लेवल बताओ कैसा था? मैथ का तो नंबर ही ना आया, इतने नंबर आया, इतना टाइम खत्म। एक घंटे का टाइम है, आधा घंटा रीजनिंग में लग गया, 10 मिनट उसमें लगी जीएस में, 10 मिनट हिंदी में, इतने मैथ का आए, 2000 क्वेश्चन हुए, इतना टाइम ही खत्म, इतना मैथ का आए। तो मैथ कर नहीं पाए मैथ? हाँ जी, मैथ कर नहीं पाए, मैथ के 4-5 क्वेश्चन करे सही।